हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आपको पता लग ही गया होगा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो क्या होने वाला है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि बिहार बोर्ड का जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो आ गया है। तो इस वीडियो में आगे मैं यही बताने वाला हूँ आपको अपना रिजल्ट कैसे देखना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पे आना है, आप घबराइएगा नहीं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर आप इस तरह से एक आर्टिकल खुलेगा, आपको सिंपल सा ये सारे स्टेप दिए हुए कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, आपको कैसे रोल नंबर और रोल कोड नंबर वगैरह फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आप देख पा रहे होंगे दो सर्वर का लिंक है। कई बार होता है एक साइट स्लो चल रही होती है, तो आप दूसरे साइड पे जाके देख सकते हैं। दोनों में से किसी एक पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपकी रिजल्ट जो है आ जाएगी। तो मैं आपको रिजल्ट देख के बता देता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट का रोल कोड और रोल नंबर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको सिंपल सा इन लिंक पे क्लिक करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ये वाली जो लिंक है इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के साथ इस तरह से आ गए, यहाँ पे रोल कोड मांगा जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे मैं एक रोल कोड भर देता हूँ, 51035। उसके बाद मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ, 1913001। उसके बाद मैं सिंपल सा सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, इस तरह से रिजल्ट ओपन होके आ गया है। ये अंजलि कुमारी झा थी, इनका रोल नंबर ये था। इन्होंने जो पेपर दिया था वो एक सब्जेक्ट का दिया था, इंग्लिश का दिया था। मैं इनका देख लेता हूँ ओवरऑल रिजल्ट जो इनका है पास है, और इनका जो इंग्लिश का है इस बार 34 आया था। पहले इस स्टूडेंट का इंग्लिश में कंपार्टमेंट था। तो इस तरह से आपको अपना रिजल्ट देखना, और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये जो रिजल्ट का जो लिंक है जहाँ पर आपको रिजल्ट देखना है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट इस वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना रिजल्ट देख पाए। तो आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।